हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज की रक्षाबंधन मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मुझे हमेशा ही यादगिरी रहेगी और मैं ज़रूर से ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग भी देखना चाहोगे मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, पूरा दिन मेरा कैसे बीत रहा है और मैंने क्या पहना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से प्लाजो सूट पहना है जो मैं आपको पार्लर में जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। तो मैं कैसे, और आप जानते हो अतिथि यहाँ नहीं है, अतिथि गई है दिल्ली। तो अतिथि रहती तो माय गॉड कब से तूफान मचा देती थी, मैं ये राखी लूँ या वो राखी लूँ। पहले वो आपको बताओ, अतिथि अभी भी इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है, पर फिर भी ना वो क्या करती है, पहले मुझे बोलती आप अपना सिलेक्ट कर लो मम्मी, फिर मैं अपना सिलेक्ट करूँगी। और वो ना तब तक सब देखती रहती है पूरा राखी कि कौन सी अच्छी है कौन सी ना, माइंड में रखती है, मुझे बताती नहीं है। फिर मैं अपना सिलेक्ट कर लेती हूँ ना, उसके बाद वो अपना अच्छे से ढूंढ ढूंढ के निकालती है और मुझे तो हमेशा घाई घाई रहती है। तो मुझे ऐसे लगता है कब मैं काम निपटारा करूँ, मुझे बाकी का भी काम रहता है। तो जल्दी से मैं राखी खरीद के घर पहुँचती हूँ, खाना लेना है, सब सब मगजमारी बहुत रहती है। तो मैं उस चीज़ में इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ जितना वो देती है। फिर अपना चॉइस कर लेगी, उसके बाद फिर मेरा चॉइस करने आएगी, मम्मी ये ठीक नहीं लग रही है, मम्मी देखो आपके लिए मैंने ये लिया है। तो उसकी मुझे याद आ रही है और वो भी बहुत मिस कर रही होगी राखी को, क्योंकि सारे बच्चे बाहर है, राखी सेलिब्रेट करे तो कैसे करे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कोई पुणे में है, कोई जालंधर में है, कोई दिल्ली में है और कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो सारे हम भाई सारे अतिथि के भाई बहन ना ऐसे पढ़ाई की वजह से, हॉस्टल लाइफ की वजह से सारे डिवाइड हो गए हैं। तो इस राखी में कोई नहीं है। तो चलिए, हम लोग तो हमारे भाई लोग के साथ राखी सेलिब्रेट कर लेते हैं और एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को भी ये वीडियो जाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगे देख देख के, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़रूर से व्लॉग बनाऊँ ताकि सारे बच्चे जो अलग अलग ठिकाने पे सारे मेरा ये व्लॉग देखें और बस खुश हो जाए और उनको भी ये फीलिंग आए कि हम लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो गाइस चलिए, और आप लोगों ने राखी की क्या क्या तैयारियाँ की है वो बताइए मुझे और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए, मैं पहले भगवान को राखी बांध देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ मैंने भगवान के लिए कौन सी राखी ली है। वो भी रात को मैंने 10 बजे ना लेट लेट राखी ली, और बाकी सारी दुकानें तो मार्केट की बंद हो गई होगी, तो हमारे यहाँ की एक दुकान से भगवान के लिए राखी ली। अब मैं यहाँ से भगवान को राखी बांध के घर से निकलूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं मिठाई लेने। और बाप रे, मिठाई की दुकान पे ना पूछो बात, आज इतना रश होगा कि पूछो मत। सारी बहनें अपने भाई लोग के लिए मिठाई लेने में टूटी पड़ी होगी। तो और फिर मिठाई लेके फिर मैं राखी सिलेक्ट कर लूँगी और फिर घर जाऊंगी। ओके, पहले थोड़ी देर पार्लर पे जाऊंगी, उसके बाद घर जाऊंगी मम्मी के यहाँ। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ आगे आगे क्या हो रहा है। और गाइज लव यू गाइज, ये है मेरा फुल ड्रेस, देखिए आपको बता देती हूँ मिरर में, ये इस तरह का प्लाजो पैंट के साथ है। और ये है मेरे भगवान, जहाँ पे मैं राखी बांधूंगी भगवान को। गाइज ये प्लाजो पैंट मुझे इतना कंफर्टेबल है कि ना वो जो बात, और इसमें ना थोड़ा सा ऐसा राउंड कट दिया हुआ है तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है और कंफर्टेबली मैं एकदम पहन पा रही हूँ इसको, बहुत अच्छे से पहन पा रही हूँ। और प्रिंट तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर प्रिंट है। और इसके स्लीव्स भी मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की बेल स्लीव्स है देखिए। तो ये दो राखी मैंने ली है भगवान के लिए और ये फुमते लिए हैं थोड़े कबाट में वगैरह बांधने के लिए। एक्चुअल में मैंने ये दो राखी कल ले ली, मैं बोली सोचूंगी किसको बांधना है किसको नहीं बांधना है। तो गाइस चलिए, सबसे पहले ये वाली राखी भगवान को बांध देते हैं। कैसी है, अच्छी है ना? और रेड धागा है इसमें। मुझे ना ये सारी राखियाँ ना ख़त्म हो गई थी, रेड धागे वाली दूसरी भी मुझे मिली नहीं पार्लर पे भगवान को बांधने के लिए, तो मैंने एक ऑरेंज धागे वाली राखी ले ली थी। फिर इस तरह से इसका भी ये डबल कलर, मतलब इसमें ये बांधा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं
अभी मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, नाड़ा छड़ी बोलते हैं इसको। तो ये मैं पार्लर पे बांधूंगी, ये मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। और गाइज, मुझे इस तरह की भी लेना है, ये जो स्वस्तिक स्वस्तिक मैंने हाथ में पहना है ना, तो वो भी मुझे लेना है। तो अभी मैं जाऊंगी और ले लूंगी। मुझे ये सब बांधने को बहुत अच्छा लगता है। और मेरा देख देख के ना पार्लर पे कितनी लेडीज लोग ऐसा लेके आती है और बांधती है, बोलती आप कहाँ से लेते हो, आप कहाँ से लेते हो। मैंने बोला रक्षाबंधन के टाइम ना मैं ले लेती हूँ। गाइस, ये वाली राखी है ना, जो ये कृष्ण भगवान की है, मैंने गए साल बांधी थी, पर ये इतना सुंदर दिख रहा है तो मुझे इसको निकालने को दिल नहीं कर रहा है। तो अब मैं वहीं पे ये दूसरी वाली राखी भी बांध देती हूँ। तो गाइस, राखी मैं बांध चुकी हूँ और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबकी रक्षा करे अच्छे से और खूब 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 खुशियाँ दे, सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे, खूब खुश रखे हम सभी को और मेरे सब्सक्राइबर को भी। चलिए, मैंने कपबोर्ड में भी राखी बांध दी है और ये बाकी की मेरी गए साल की राखी है, पर मैं निकालना उसे पसंद नहीं करती, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये जब भी ये ड्रॉअर खुलता है तो ये ऐसे खिलता है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो इस तरह से बचता है तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज, आपको मेरा थोड़ा बहुत ड्रेस का आइडियाज़ आ गया होगा। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल गाइज, वेरी वेरी मच कंफर्टेबल। तो कैसा लग रहा है दिखाइए मुझे। तो गाइज, बहुत नखरे हो गए, चलिए लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं पार्लर पे। गाइस, ये कुछ राखियां मैंने ली है। वाली राखी बहुत पसंद आई। तो गाइस, अब मैं पार्लर में पहुंच गई हूँ और देखिए मेरा छोटा सा मंदिर। और मैं अब भगवान को ये वाली राखी बांध देती हूँ, छोटी सी गणपति बप्पा मेरे, और एकदम चिंटू सा मंदिर है, और ये है मेरी भगवान की राखी। तो गाइस, अब मैं रेडी हूँ मम्मी के यहाँ जाने के लिए। अब तक पार्लर पे काम चल रहा था और बस थोड़ा पसारा हटाया और देखिए अभी भी बहुत सारा पसारा पड़ा है पार्लर पे पर अब जाना ज़रूरी है मम्मी के यहाँ। तो चलिए, थोड़ा सुबह का थोड़ा बहुत बिजनेस कर लिया, अब मम्मी क्या जाती हूँ राखी के लिए। ओके। तो गाइस, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बहन का आने का और टीवी देख रहे हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे। लहसुन का अचार बहुत अच्छा था,
मदर रेसिपी का अचार बहुत अच्छा आता है, चटनी थी और मिर्ची भी खाई मैंने गाइस, और सेव दाल बहुत सारा खाना था। और खाना देखिए ना, मम्मी के हाथ का खाना बाप रे ऐसा लगता है कब खाए और कब नहीं। तो गाइस अभी शाम का मुहूर्त है राखी बांधने का, मतलब दोपहर का 3:20 तक मुहूर्त नहीं था 1 बजे से, और बहन आई लेट तो सुबह बांध नहीं सके, तो अब आई है तब हम लोग 4:30 बजे फिक्स किए हैं कि 4:30 बजे हम लोग राखी बांध देंगे, क्योंकि फिर से 6 बजे वापस मुहूर्त नहीं है, तो 6 से 8 मुहूर्त नहीं है। तो गाइस अब मिलते हैं राखी बांधते, ओके। तो गाइस ऐसे तो मम्मी के यहाँ का आंगन आपने बहुत बार देखा है, ये पीछे का वाड़ा है और ये है कुआं, कुएं में बहुत सारी मच्छियाँ हैं और कुएं का पानी ना हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते, कभी कभार मोटर वगैरह लगाई हुई है पर कभी कभार यूज़ करते हैं। देखिए सब मोटर वगैरह सब लगाई हुई है, और ये है मेरी बहन तो बहन बहुत लेट आई है, और ऑलवेज आपने मिले हो मेरी बहन से तो, और आज लेट हो गया। और ये है जीजा जी, ओ पूरा मूड में है सोने के, अभी थक गए हैं लंबे से आए। और गाइस ये है फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, आपको पता है मुझे फ्लावर्स से कितना शौक है, और ऐसे फूल देखती हूँ ना तो मैं पागल हो जाती हूँ, इतना मुझे शौक है। और मम्मी के यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए, जहाँ देखो वहाँ फ्लावर्स लगे। जीजा जी बोल रहे सीताफल दिखाओ, सीताफल दिखाओ। और गाइस ये है कद्दू का झाड़ जिसमें फूल आए हैं, और देखिए सीताफल लगा हुआ है, धीरे धीरे टूट ना जाए जीजा जी, हाँ वेरी गुड। और देखिए फिश आई थी और कितना जोर से आवाज़ की, ये देखिए फिश है ना गाइस, और इसमें बहुत बड़ा टॉर्टोइस था, तो वो उसको बहुत बुढ़ा हो गया था ना तो वो मर गया, बहुत बड़ा फिश है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ गाइस आपको दिख रहा है कि नहीं, पर मेरा जाएगा मोबाइल कुएं में अगर कहीं से जाली टूटी हो तो, पता नहीं ये प्लांट को क्या हुआ, ये क्यों सूख गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और नारियल के झाड़ तो बहुत ऊंचे गए हैं और बहुत सारे नारियल लगे हैं, आपको कैसे दिखाऊं गाइस, ये देखिए अब दिखे तो आपको शायद दिख जाएंगे, ओके। तो ये है मम्मी के पीछे का, मम्मी के घर के पीछे का आंगन, और मम्मी की आदत कैसी है गाइस मैं बताऊं आपको, मम्मी को भी मेरी तरह आदत है, जो भी घर में कोई चीज़ हो ना तो जल्दी से उसको उगा देती है, उसी तरह मेरी भी आदत वैसी हुई है, मम्मी जैसी है सेम। तो अब हमारी राखी की तैयारी हो गई है, बस भाई लोग का वेटिंग है। हनुमान जी ने बेड़ा पार करा दिया सच में अतिथि का, सब लोग लड्डू चढ़ा रहे हैं। हनुमान स्वामी का भक्त असली ये है, इनका पूजा जा रहा कब आएगा।
खाना गया बस्ती बस्ती गए इसको क्या बोल रहा था मैं बस्ती जा रहा हूँ क्या बोलते नहीं नहीं ये इसका नाम क्या है क्या मोबाइल मोबाइल नहीं मोबाइल रुमाल मुकने ऊपर भाई रुमाल मुको जरा पहला लड्डू खावा माथे मिठाई खावा माथे ऊपर बांधी देना कहीं नहीं कहीं चीज ऐसे ने एम तूटी जाए तूटतू से रहा दराज तूटू रक्षा सूत्र भी बांध रक्षा पोटली बांध रही है बहन पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या देखती रहती है तो राखी तो बांध लिया और ऊपर से फिर रक्षा पोटली भी बांध रही है काला मरी छे मम्मी तो गाइस देखिए आप भी ये सब आइडिया ले लीजिए भाई को अपने रक्षा पोटली बांधनी है और काली मिर्च का पता नहीं क्या कर रही है अभी आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ और चलो भाई ये टोपी भी पहन के आ गया है मस्त आखो बद्दो ज गरम मसालो चाहिए तो ये काली मिरी ली है उसने और पता नहीं क्या करी आप देखिए मैं बताती हूँ अच्छा नजर उतार रही है भाई की हाँ बाहर फेंके थे ना गाइस जैसे मैंने आपको सुबह बताया पहले तो सब लोग रहते थे तो बहुत मज़ा आती थी राखी वाले दिन जो संभव
चलते नहीं એવી મેં બીજી પણ લાવી છું બાંધવા માટે ये ना राखी तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन ये मैं लाई हूँ ओम वाला, ये हमेशा पहन के रखने के लिए, तो ये भी एक बांध देती हूँ। तो गाइस राखी बांध के हो गया है, और थोड़ा सा फोटो सेशन चलेगा अभी हमारा। और जीलू आ जाओ, आओ आप भी आ जाओ इधर घुस जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो गाइस ये है मेरा फैमिली पूरा, मम्मी के यहाँ का, और पूरा कहाँ सारे तो सब इधर उधर, मैंने सुबह आपको बताया कि सब लोग यहाँ वहाँ चले गए हैं पढ़ने के लिए, और अतिथि को बहुत मिस कर रही हूँ, सभी को मिस कर रही हूँ मैं आज। आज मम्मी ने देखिए कितनी मस्त साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है मम्मी को, मम्मी ने बद्दा ओळखे छे, आंटी जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते करता हुए। तो गाइस राखी हो गई है अभी हमारी, और अब हम बैठे हैं गप्पे मारने। मेरा भी ले रहे भाई। मेरी बहन ना। तो गाइस घर आ गई हूँ मैं, और अभी मैंने थोड़ा सा मूंगफली दाना खाया है, ये देखिए मूंगफली खाई है मैंने, और फ्रूटी पिया है, और अभी मैंने अपना लाइव ख़त्म किया है थोड़ी देर पहले ही, और अब सोने जा रही हूँ। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा फुल डे का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। और आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप लोग ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा,
और जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।